हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर भरत कुमार। हम पढ़ रहे हैं भौतिक भूगोल। कल मैंने आप लोगों को भूगोल का अर्थ, भूगोल की परिभाषा, भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में जानकारी दे दी थी और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे भूगोल एक विषय के रूप में कि भूगोल के अंतर्गत हम किस किस का अध्ययन करते हैं, इसका विकास कैसे हुआ है और भूगोल का हमें अध्ययन किस प्रकार से करना चाहिए। तो सबसे पहले भूगोल एक समाकाल या विकास के रूप में कि भूगोल का विकास कैसे हुआ है। अगर हम लोग बात करेंगे भूगोल के बारे में तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि भूगोल एक ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है और भूगोल का जो विकास है वो यूनान से ही प्रारंभ हुआ था। यूनान से अगर हम लोग बात करेंगे तो चाहे वो थेल्स रहे हों, चाहे वो एलेक्जेंडर हों, चाहे वो एरिस्टोटल हों, कई सारे ऐसे भूगोलवेत्ता रहे हैं जिन्होंने प्राचीन काल में भूगोल का वर्णन किया है। प्राचीन समय में भूगोल के अंतर्गत केवल पर्वत, पठार, मैदान, घाटी का ही अध्ययन किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया है भूगोल एक स्वतंत्र शाखा के रूप में विकसित हुआ है और भूगोल के अंतर्गत इसका अध्ययन क्षेत्र भी बढ़ा है। अगर हम लोग मध्यकाल की बात करेंगे तो मध्यकाल में पर्वत, पठार, घाटी के अलावा इसके अंतर्गत संसाधनों, कृषि क्षेत्रों को भी जोड़ लिया गया है। आधुनिक समय में आते आते इसमें कई सारी शाखाएं भी जुड़ गई हैं। लेटेस्ट में इसमें रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS जैसे अन्य क्षेत्रों को भी जोड़ दिया गया है और भूगोल वर्तमान समय में एक आधुनिक या विज्ञान के साथ साथ जुड़ने वाला विषय बन गया है। अगर हम लोग बात करेंगे भौतिक भूगोल एवं प्राकृतिक विज्ञान के बारे में तो हम कह सकते हैं कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत वे सभी प्राकृतिक तत्व सम्मिलित किए जाते हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं या बनाए गए हैं। भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी के ऊपर मिलने वाले वह सभी तत्व जो प्रकृति ने बनाए हैं उन्हें हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मिलने वाले तत्वों को भूगर्भशास्त्री अध्ययन करते हैं। तो भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। इन प्राकृतिक तत्वों में चाहे वो खनिज संसाधन के रूप में हों, चाहे वो पर्वत हों, पठार हो, घाटी हों, वनस्पति हो, मिट्टी हो, उन सबका अध्ययन इसमें किया जाता है। भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल के अंतर्गत मानव का अध्ययन भी किया जाता है क्योंकि मानव एक धुरी है या मानव के चारों तरफ ही ये सारे अध्ययन घूमते हैं, इसीलिए भूगोल के अंतर्गत मानव और प्रकृति का क्या संबंध रहता है इसका अध्ययन किया जाता है। अब हम मेन इसमें हम पढ़ेंगे कि भूगोल की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। भूगोल की जो शाखाएं होती हैं वो मुख्य रूप से तीन शाखाएं इसके मुख्य हैं। पहला है भौतिक भूगोल जिसे फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, दूसरा है मानव भूगोल जिसे ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं और तीसरा है जीव भूगोल या वायु ज्योग्राफी कहते हैं। लेकिन अभी हम लोग यहाँ इसका अध्ययन डीपली करेंगे अपने पूरे पेपर में क्योंकि हमारा जो पेपर है वो भौतिक भूगोल है और भौतिक भूगोल की ये जो आप शाखाएं देख रहे हैं चाहे वो भू आकृति विज्ञान हो ये जिसको हम लोग स्थलमंडल कहते हैं, चाहे वो जलवायु विज्ञान हो, चाहे वो जल या समुद्र विज्ञान हो या वो मृदा भूगोल हो, इसमें और भी कई सारी शाखाएं जुड़ी हुई हैं चाहे वो वनस्पति विज्ञान हो, भूगर्भीय विज्ञान हो, भूभौतिकी विज्ञान हो, कई इसमें कई सारी शाखाएं और जुड़ी हुई हैं। लगभग 14 शाखाएं इस भौतिक भूगोल के अंतर्गत आती हैं। ये सारी की सारी भौतिक भूगोल कहलाती हैं। वो आकृति विज्ञान जो स्थल मंडल होता है इसके अंतर्गत स्थल के ऊपर पाए जाने वाले सभी प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो महाद्वीप हों, चाहे वो आपके पर्वत हों, पठार हों, घाटियाँ हों, इन सब का अध्ययन इस भूआकृति विज्ञान में किया जाता है। जबकि जलवायु विज्ञान की अगर हम लोग बात करेंगे तो पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल जो आवरण पाया जाता है उसमें मिलने वाले सभी तत्व चाहे वो गैसें हों, चाहे वो जलवाष्प हों, बादल हों, चक्रवात हों, तूफान हों, ये सारे के सारा जो तत्व होते हैं उन सब का अध्ययन जलवायु विज्ञान में करते हैं। वहीं जल या समुद्र विज्ञान के अंतर्गत स्थल पर जैसे जिस प्रकार से प्राकृतियाँ मिलती हैं उस प्रकार जल में भी प्राकृतियाँ मिलती हैं, उन सब का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। वहीं मृदा भूगोल जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि पेडोलॉजी या मृदा भूगोल जो इसका अध्ययन किया जाता है, इसे मिट्टी के प्रकारों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अन्य भी कई सारी शाखाएं इसमें होती हैं।
ये मानव भूगोल और जीव भूगोल ये भौतिक भूगोल का अतिरिक्त मुख्य शाखाएं हैं। मानव भूगोल में सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल का अध्ययन करते हैं, लेकिन एक बात यह समझने की है कि भौतिक भूगोल में केवल उन शाखाओं को सम्मिलित करते हैं जो प्रकृति ने बनाई हैं, जबकि मानव भूगोल में मानव के द्वारा बनाई गई सभी शाखाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे सामाजिक व सांस्कृतिक भूगोल। सामाजिक मतलब होता है समाज से, चाहे वो धर्म हो जाति हो, समूह हो, प्रजातियाँ हो, उन सब का अध्ययन सामाजिक भूगोल में आता है। क्या उनकी संस्कृतियाँ हैं, उनका अध्ययन इसमें किया जाता है। जनसंख्या भूगोल में पूरे विश्व वाली जनसंख्या के बारे में, जनसंख्या वृद्धि के बारे में, वितरण के बारे में, इन सब का अध्ययन यहाँ होता है। वहीं अधिवास भूगोल में मानव द्वारा बनाए गए अधिवासों का अध्ययन होता है। आर्थिक भूगोल में यहाँ पर आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन इसमें किया जाता है कि मानव द्वारा कौन कौन से व्यवसाय किए जाते हैं। ऐतिहासिक भूगोल की बात करेंगे तो प्राचीन समय से लेकर वर्तमान समय तक मानव ने किस प्रकार से भूगोल का विकास किया है, उन सब का अध्ययन ऐतिहासिक भूगोल में होता है। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हमारे देश की दूसरे देश से क्या संबंध है, आयात क्या है, निर्यात क्या है, हमारी क्या भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, उन सबका अध्ययन यहाँ किया जाता है। वहीं जीव भूगोल की बात करेंगे तो जीव भूगोल के अंतर्गत वायु ज्योग्राफी में जीव भूगोल यानी वायु ज्योग्राफी यानी कि जीव जंतु मानव आदि का अध्ययन या जीव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। वनस्पति भूगोल जीव जितने भी